दुर्गा पूजा को लेकर बाबा नगरी देवघर में धूम मची हुई है। शहर के कई स्थानों पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं स्थानीय कलाकार मार्केंडे जे जवाड़े के द्वारा बनाया गया इको फ्रेंडली पंडाल लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। इस खबर का जायजा लिया है हमारे संवाददाता रंजित कुमार ने। नवरात्र प्रारंभ हो गया है और नवरात्र का आज तीसरा दिन है और यूं तो देवघर के कई जगहों पर कई तरह के पंडाल और कई आकर्षक मूर्तियां बनी है। वहीं पे व्यारे मॉल में भी हर साल की भांति कलाकार मार्केंडे जे जवाड़े के द्वारा इस बार भी काफी खास इको फ्रेंडली प्रतिमा बनाया गया है, जहां पे दर्जनों लोग आ रहे हैं और साथ ही साथ यहां पे प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं और सेल्फी भी ले रहे हैं। काफी खूबसूरत और आकर्षक है और यह स्थानीय कलाकार पुट्टू दा के द्वारा बनाया गया है। तो आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय कलाकार चिर परिचित कलाकार मार्केंडे जे उर्फ पुट्टू दा से किस तरह का माँ का दरबार यहाँ पे सजता है और किस तरह का यहाँ पे बनाए हैं और क्या चीज से बनाए हैं ये पता है। किस तरह से माँ का दरबार आप सजाए हैं, चूंकि नवरात्र चल रहा है ऐसे में हर साल आप देखते आ रहे हैं कि बनाते हैं, तो किस तरह का बना है? देखिए, मैं पिछले 12 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। 12 साल से माँ का दरबार सजाने का काम किया करते आ रहा हूँ। मैं हर साल कुछ नए थीम पर काम किया है। इस बार जंगल से जो संथाल की औरतें पत्ता चुन के लाती है साल की, सखुआ की पत्ता, और उससे पत्तल बना के वो लोग मार्केट में बेचती है। उसी पत्तल का यूज कभी भंडारा में होता है, कभी दुकानों में घुघनी मुड़ी खाने के लिए होता है। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि इस पत्ते से मैं क्यों नहीं सजाऊँ, तो उस पत्ते को मैंने 80 बंडल पत्तल परचेज किया, खरीद के लाया और हर पत्तल को अलग अलग निकाल के 3 कलर का मैंने अप्लाई किया है, कॉपर, सिल्वर और गोल्डन। 14 तारीख को मैं माँ के दरबार को सब सहयोगियों के साथ बना के खड़ा किया। सतुआ के पत्तों से माँ का दरबार का पूरा मंदिर बनाया गया है और इसमें स्थानीय कलाकार मार्केंडे जे और उनके सहयोगी दिन रात लग कर ये तैयार किए हैं। क्या के जो श्रद्धालु आए जानते हैं किस तरह का ये बना हुआ है, ये माँ का दरबार जो सजा मंदिर जो बना है कैसा बना है? बना तो बहुत मस्त है। यहाँ पे आने के बाद एक गर्व महसूस होता है, गर्व फील होता है। ये न्यू जनरेशन में जो जहाँ पे प्लास्टिक यूज कर रहा है लोग, और यहाँ पे आने बाद मात्र सखुआ के प्राकृति का यूजफुल होकर के और बनाते हैं। क्या सारी श्रद्धालु से जानते हैं कैसा लगा ये जो सखुआ के पत्तों से प्राकृतिक नैसर्गिक जो है रूप दिया गया है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, हमेशा तो अच्छा ही बनता है, अच्छा बनता है। दरबार जो सजा हुआ है सखुआ के पत्तों से बना है, ये कैसा आपको लगा? मतलब बहुत अच्छा, ये मतलब बायोडिग्रेडेबल है, जहाँ फार्माकोल प्लास्टिक सब यूज किया जाता है वो सब वेस्ट, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, ये बायोडिग्रेडेबल है, बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट को कुछ नुकसान नहीं है इससे, बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट सेफ रहेगा इससे हमारा। निश्चित तौर पर जो माँ का दरबार सजाया गया है काफी खूबसूरत और आकर्षक है। यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं स्थानीय कलाकार मार्केंडे जे के काफी तारीफ कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मेरे देव के साथ रंजीत कुमार, समाचार प्लस।